Okay, science says, what do you think how this pandemic is going to change the industry, like both hospitality and traveling? Very, very, very much. Like, see, agar hum normally bhi abhi dheere dheere since the country is moving towards unlock, तो हम धीरे धीरे जितने भी relaxations मिल रही हैं हम उसको utilize भी कर रहे हैं, हम बाहर जाते हैं. Even I have started going, पहले जब मैं भी था तो घर पे ही था. Even right now also I avoid, मैं नहीं जाता. अगर मैं जाता भी हूँ तो definitely I would be going with proper precautions. ठीक, proper precautions, two very important things you have to like carry a mask and even sanitize your hand, and that's a good part of your life. Hum pehle itna sanitize nahi karte the haath pe, hygiene pe hum itna dhyan nahi dete the, but hygiene pe dhyan dena to hamari health ke liye bahut acha hai, especially in India, right? So hum koi to abhi bahut zaruri hai, ab to health pe zyada hum jitna dhyan de, aur acha hai, better hai health pe dhyan dena. To किसने बताया, कौन से पुराण में लिखा है कि गलत है? ठीक है, सो इट्स बेटर कि हम अपनी हाइजीन का ध्यान रखें. और यही मेन चीज है, हम अगर कोई भी डिजीज होता है, कुछ भी होता है, देर सो सीजन चेंज होता है तो डिजीज भी चेंज होते रहते हैं एज इन आर कंट्री एंड इन द वर्ल्ड. सो यार वही चीज है, सो दैट्स द थिंग विच वी आर फॉलोइंग. एंड रिगार्डिंग ट्रैवल, व्हेन वी वुड बी कमिंग आउट, कि धीरे धीरे जैसे अनलॉक हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रही है, so there would be a lot of change, there would be like n number of changes. ठीक है, the core will remain the same. A person is going out, yeah, moving out to for an escape, yeah, he or she just wants to chill, relax and make memories. The core or the aim will remain the same, but now the process जो पीछे रहता था ना हमेशा कि बहुत ही carefree वाला, carefree वाला वैसे ही रहेगा कि बस आज मन करा तो कल ISBT चले जाओ, बस पकड़ के निकल जाओ. That will be the same. नहीं नहीं वो बिल्कुल नहीं, that will वो up to an extent रहेगा. अगर मेरा अगर मैं अगर point of view बताऊं, because इस चीज पे different different points रहेंगे. मैं एक overall बता रहा हूँ या फिर थोड़ा अपना perspective भी बता रहा हूँ कि ये रहेगा कुछ time तक. जैसे अभी हम टाइम नहीं डिसाइड कर सकते कि देयर पीपल से नो फॉर एन ईयर दिस विल हैपन, हाउ कैन यू प्रिडिक्ट इट इज एन ईयर. तुम्हें वो देवी देवता बताकर चले गए क्या? वो जो पहाड़ों में रहते हैं कि तुम नहीं जा पाओगे? नहीं, ऐसा नहीं है. इट कैन इवन गेट लाइक सब कुछ ओके हो सकता है दिवाली तक भी, सब कुछ ओके हो सकता है दिसंबर तक भी. ठीक है ना, सो यू डोंट हैव टाइम, बट ऑब्वियसली द लॉकडाउन इज नॉट अ सॉल्यूशन फॉर दिस. So, dheere dheere, the country is seeing the phase of unlock 1, 2, and 3, and dheere dheere, the tourism is opening also. As per the current scenario, we are seeing Himachal Pradesh, Uttarakhand, Goa, Rajasthan, Jammu Kashmir is also coming up with the SOPs, jo standard operating procedures hote hain for tourism. They are also coming for the same. And dheere dheere open ho raha hai, but change bahut hoga. बहुत चेंज होगा. द वे पीपल वर ट्रैवलिंग आई थिंक विल रिमेन द सेम. पीपल वुड बी गोइंग फॉर अ ट्रेक, बट हाँ, अब वो ट्रेक पे जाना एक नॉर्मल चीज नहीं रहेगी. पहले की तरह हम चले जाते थे, केयर फ्री होते थे, नहीं, अब थोड़ा प्रिकॉशन के साथ जाना होगा. सो यार थिंग्स गोना चेंज वेरी मच, वेरी मच. ट्रैवलिंग की तीन मेन पर्सपेक्टिव होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, और फोर बोलूंगा, ट्रांसपोर्टेशन, फूड, अकोमोडेशन एंड एक्सप्लोरेशन. Okay. So, ये चारों फैक्टर्स अब चेंज हो जाएंगे. कौन कौन से? फॉर एग्जाम्पल, ट्रांसपोर्टेशन, अकोमोडेशन, फूड एंड एक्सप्लोरेशन. ठीक है ना, ये चार हमारे होते हैं. किसी भी जगह की बात करें हम, है ना, कभी भी हम कोई भी जगह प्लान करते हैं, ट्रिप प्लान करते हैं, चाहे वो कम्युनिटी ग्रुप टूर हो, कम्युनिटी ट्रिप्स हो, या फिर सोलो ट्रिप हो, फैमिली ट्रिप हो, या फिर कपल ट्रिप हो, ये चीजें तो चार कॉमन रहती हैं. एंड फॉर एग्जाम्पल तुम मूव कर रहे हो, लाइक इफ यू आर रिजाइडिंग इन दिल्ली और मुंबई, यू आर टेकिंग अ फ्लाइट, तो फ्लाइट तक जाने तक देर वुड बी चेंजेस. अगर हम कैब ले रहे हैं तो वो ले रहे हैं, कम्यूट कर रहे हैं विद इन द सिटी, देर आर चेंजेस. देन यू आर टेकिंग अ फ्लाइट और इवन अ ट्रेन और इवन अ ओवरनाइट बस टू देन हिमाचल, उत्तराखंड, देर वुड बी सम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स और गाइडलाइंस विच वी नीड टू फॉलो, राइट? एंड देन कमिंग टू होटल वेयर वी वुड बी स्टेइंग, ओके, this hotel room is sanitized or not. So we would be having definitely so many questions, and yahi char factor ke around wo SOPs ho, jo guidelines hain jo government ne abhi out kari hain in the month of June, they have given the guidelines.
सो यही गाइडलाइंस इन चारों फैक्टर्स के ही अराउंड है. एंड ये चारों फैक्टर्स ट्रैवल में या फिर हम नॉर्मली ये टूरिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या ये चारों गाइडलाइंस हर जगह वैलिड होंगी? अगर कोई बंदा हिमालय जा रहा है या फिर कोई राजस्थान जा रहा है, सो इट्स वैलिड all over India? या फिर यार इट्स वैलिड, इट्स वैलिड. सो द गवर्नमेंट इज हैविंग अ सेट ऑफ गाइडलाइंस व्हिच इज लाइक द ऑल द मेजर गाइडलाइंस. ठीक है, गवर्नमेंट ने जितनी भी गाइडलाइंस दी हैं, लाइक फॉर हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी में भी काफी सारे होते हैं. यू हैव होटल्स, यू हैव एयरबीएनबीज और होम स्टेज, ठीक है ना. देन यू हैव हॉस्टल्स, देन यू हैव दिस लाइक कैंप साइट्स और ये सब. तो डिफरेंट है सभी के लिए, दे हैव अ सेट ऑफ रूल. क्योंकि होटल ऑपरेट करता है एक हॉस्टल से बहुत ही डिफरेंटली, है ना. हॉस्टल में कॉमन स्पेस होता है, डॉमिट्री होती है. डॉमिट्री यू कैन सी लाइक एक ही रूम के अंदर देयर आर 10 डॉर्म्स, 20 डॉर्म्स, है ना. सो 20 पीपल इन अ वेरी लार्ज रूम, यू कैन से. ठीक है, तो होटल की गाइडलाइंस एंड हॉस्टल की गाइडलाइंस आर डिफरेंट. देन वी हैव द ट्रांसपोर्ट, वॉल्वोस, कैब्स, टैक्सी. ठीक है, सो ये जितने भी हैं सभी के लिए दे हैव इंडिविजुअल लाइक अ सेट ऑफ गाइडलाइंस, एसओपीज हैं, जिसको हम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बोलते हैं. एंड राइट नाउ द एंटायर इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री एंड हॉस्पिटैलिटी बोथ, बिकॉज बोथ द इंडस्ट्री गोज साइड बाय साइड, है ना. हम इग्नोर नहीं कर सकते कि टूरिज्म चलेगा, हॉस्पिटैलिटी क्यों नहीं चलेगा, स्टे तो कहीं ना कहीं करना ही है. सो दोनों साइड बाय साइड ही चलती हैं. हाँ, दे आर इंटरलिंक्ड, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म आर इंटरलिंक्ड टू ईच अदर. सो अब एसओपीज हैं सबके, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, एंड सब उसी के बारे में, अब सब उसी के अराउंड वर्कआउट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर रहे हैं. लाइक राइट नाउ मेजॉरिटी ऑफ द रिजॉर्ट्स एंड स्पास एंड होटल्स लाइक अराउंड द कंट्री आर जस्ट ट्रेनिंग देयर स्टाफ. ठीक है, क्योंकि बहुत ही चेंज होने वाला है. तुम मेन चीज जो है वो कॉन्टैक्ट लेस है, कि जितना कॉन्टैक्ट कम हो उतना आसान है. ठीक है ना. एंड देन अगर कॉन्टैक्ट होता भी है तो यू हैव टू सैनिटाइज दैट पार्ट, उसका ध्यान रखना है. अगर इन चीजों, ये दोनों चीजों का भी ध्यान रखा जाए ना, सोशल डिस्टेंसिंग तो ऑटोमेटिकली फिर हो जाती है ना. तो इन दोनों चीजों का भी ध्यान रखा जाए तो इट गोना वर्क वेरी वेल. रोशनी बढ़ती जैसे है